गाइस आप सभी को टार्जन एचडीआर में स्वागत है। और दोस्तों मैं डेल्टा पुत्रा था क्योंकि आइसलैंड पे लौंडे गए तो और कई बार ठेला था बोट फोड़ फोड़ के, तो सोचा इस बार भी ठेल दूं बोट उठ फोड़ के। और यही सोच के इधर ही रुका था कि निकलने दे बोट को, फिर ये बोट लेके चला आता है इधर से। तो मैं सोचा इनको यार निपटा दूँ। मैंने सारे लौंडे को बोला था यार कि जैसे बोट आएगी सारे लौंडे एक साथ मारना, लेकिन एक हम ही हैं जो एक्टिव थे, लेकिन बाकी सब कहाँ कहाँ लुटने में बिजी था ये तो मेरे को खुद नहीं पता। खैर वहाँ पर अच्छा खासा लौंडा नहीं दो ही लौंडा आया था, एक को तो बोट के साथ ही दफना देते हैं और एक लौंडा पत्थर पे जाके कवर ले लेता है। सोचा इधर से ही काम हो जाए तो उधर जाने की क्या ज़रूरत है, और यहाँ से इसको ठेल देता हूँ। अब सोचे पेटी उटी लूट लें उनका और लास्ट सर्कल की ओर चलें। तो खैर यहाँ पे लूटने के बाद सोचा कि किधर बोट फायर कर रहा है, तो बोट फायर या बंदे हैं क्या पता नहीं। तो देखा तो इधर दो बोट, शायद एक बंदे और एक बोट था। तो मैं जैसे मारा तो उस लौंडे घर के अंदर घुस गया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। और ये देखो निकल के नदी के इस पार देख रहा था, और एक बोट बेचारा बोट ही है ना, पता नहीं जो भी हो। यहाँ पे निपटा देता हूँ फाइनली दोनों को। और यहाँ से मैं सीधा लास्ट जोन की तरफ आता हूँ, तो यहाँ पे एक ड्रॉप रहता है। तो मैं सोचा यार थोड़ा लूट लूँ, आरपीजी मिले तो उठा लें, क्योंकि 4v3 3v4 होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग तीन ही बचे थे। तो आरपीजी अगर उसने उठा ले तो पक्का मैच का हारना तय था। तो मेरा लौंडा चला जाता है कोई तीन नंबर उठाने के लिए। शायद हम बोल भी दिए थे कि आरपीजी अगर उठाओ या ना उठाओ, लेकिन उसका गोला जरूर उठा लेना अगर आरपीजी हो तो। खैर हमारे तीन नंबर उधर से देख रहा था, मैं इधर से देख रहा था, बंदे थे थर्ड हिल पे, एक बंदा को किसी ने डाउन किया मेरे लौंडों ने, तो और सारे लौंडे पता नहीं कहीं दिख नहीं रहा था। तो सामने भी एक ड्रॉप था, तो मेरे मन में भी लालच है कि लूटें कि क्या करें, लेकिन एक बंदा खुले में घूम रहा था तो बोले इनको प्रसादी दे लेते हैं। प्रसादी देते देते यार पता नहीं ये बंदे किसी और ने नॉक कर दिया। फाइनली मैं एक बंदे को नॉक कर पाता हूँ यहाँ पे, मोहम्मद समी नहीं लेकिन एस4 समी है। और एक बंदे ने हमको इतना अच्छा खासा डैमेज दे दिया ना कि क्या बताऊँ मैं। झूठ मूठ गई ये हीलिंग्स करने वाली आदत मेरी गई नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद भी हील करने पे लगा हूँ। साला मेरा तो बूस्टर डोज तो लगा हुआ है। खैर यहाँ पे एक बंदा ड्रॉप के पास शायद दिख रहा है, ड्रॉप के पास तो कोई नहीं दिखा यार। यहाँ पे मैं फाइनली वेस्ट उठा लिया, और एक बंदा फिर से खुले में आ रहा है। भैया जोन में आने की इतनी जल्दी क्या है, खुले में घूमोगे? और हम लोग तीन ही है यार। हम सोचे बम वम फेंकते हैं, ये लौंडा इधर क्या कर रहे भैया, मतलब तभी से मारे हैं मरे नहीं हो, और हमारे एक लौंडे को ठेल देता है यार कहीं से। बोले अरे यार क्या हो गया। और इनके फाइनली दो लौंडे बचे रहते, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ रहते। एक बंदा तो स्मोक में है, उनको नॉक किया हुआ था, और ये बंदा फाइनली गॉड किलर वाइटी को फिर से ठेला। अब तो उसका बचना क्या मरना तय है। और इनका लास्ट लौंडा पता नहीं एकदम स्केटिंग ऑन करके सीधा एकदम भाग रहा था। और भैया यहाँ पे हमको M4 यूज करना चाहिए, लेकिन जल्दी जल्दी में इतने प्रेशर पे थे कि शॉर्ट गन लेके भम मार के किसी तरह काम चला लिए यार, नहीं तो ये मार देता। और गाइस वीडियो पसंद आए या ना आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे लाइक ठोक दे यार,